हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिटेल ग्राफ। रिटेल ग्राफ के इस नए वीडियो में हम परचेज मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। रिटेल ग्राफ में परचेज मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है। परचेज मैनेजमेंट यानी सप्लायर से जो परचेज हमने की है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, और साथ ही डिफरेंट परचेज एक्टिविटी जो हमने की है उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि बाद में यह एनालिसिस कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे किस सप्लायर से किस मार्जिन में मिला है, या किसी और सप्लायर से बेहतर मार्जिन में मिल सकता है क्या। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये रिटेल ग्राफ का होम स्क्रीन है। परचेज मैनेजमेंट के लिए मुझे यहाँ परचेज मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम उन ट्रांजेक्शन को देखेंगे जिनसे हम स्टॉक्स इन कर सकते हैं, और स्टॉक्स जो हैं वो हमारी सेलेबल लोकेशन में ऐड कर सकते हैं ताकि हम बाद में उनको सेल कर सकें। इसमें जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है वो आता है परचेज ऑर्डर का। यहाँ पे परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सप्लायर या वेंडर की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम एक नया सप्लायर या वेंडर बना सकते हैं, इसके लिए हमारा अलग वीडियो है जो स्विल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फील्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। जो फील्ड्स स्टाम्प मार्क फील्ड हैं वो मैंडेटरी फील्ड हैं, बाकी फील्ड्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली वो होता है जिन प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है उन प्रोडक्ट्स का हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं, तो उससे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो इसके लिए हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने से हमारी जो सेलेबल लोकेशन है उसमें स्टॉक ऐड नहीं होता है, हम उसको आगे सेल नहीं कर सकते हैं, बस हम ये एक सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्रांजैक्शन बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ABC, क्योंकि मेरा डाटाबेस फार्मा का है। तो जैसे बैच एक्सपायरी डेट है तो ये एक फार्मा में एक प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी डिटेल सप्लाई होती है, लेकिन ऑर्डर में मुझे ये चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक ऑर्डर है जो कि मैं सप्लायर को दे रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और इसके साथ ही ऑर्डर को मैं सेव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वो आता है परचेज चालान। परचेज चालान जो है उसको बनाने के लिए भी हमें एक सप्लायर की ज़रूरत होती है। तो मैंने जिसके नाम पे ऑर्डर बनाया था उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर के आगे स्टार मार्क फील्ड है, यानी ये जो फील्ड है मैंडेटरी फील्ड है। इसमें मुझे वैल्यू पुट करना है। बेसिकली चालान जो होता है वो एक फाइनल इनवॉइस से पहले जो इनवॉइस वेंडर हमें देता है वो चालान होता है। और चालान से क्या होता है, जो प्रोडक्ट मैं यहाँ डालूंगा उसका स्टॉक मेरी सेलेबल लोकेशन में ऐड हो जाएगा और उसको मैं फिर से सेल भी कर सकता हूँ। मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए रेफरेंस नंबर डाल रहा हूँ। ये परचेज चालान जो भेजता है उसमें ट्रांजैक्शन का नंबर होता है, वो हम यहाँ डाल सकते हैं ताकि बाद में रिपोर्ट्स में उसको ट्रैक कर सकें। जैसे कि मैं इस ABC प्रोडक्ट का चालान बना रहा हूँ, ये फार्मा का डाटा है, तो मुझे बैच एक्सपायरी डेट फिल करना ज़रूरी है और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ दो तरीके से चालान बना सकता हूँ। एक तो मैंने जैसे अभी मैन्युअली प्रोडक्ट लिया, दूसरा मैं ये क्लियर ऑर्डर भी कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लियर ऑर्डर से जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है इसका आज की डेट में जो ऑर्डर था उसका मुझे यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। ये मेरा जितने का ऑर्डर था। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी आपके पास में रिसीव हुआ है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पर जितना मैंने ऑर्डर प्लेस किया उतना क्वांटिटी के साथ मैं इस ट्रांजेक्शन के साथ इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो गया। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है वो आता है परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस बनाने के लिए हमें एक वेंडर की ज़रूरत होती है। ये भी सिमिलर है परचेज चालान के, बस दोनों में फ़र्क ये है कि चालान के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होती और परचेज इनवॉइस के अकाउंट में पोस्टिंग होती है। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि फाइनल इनवॉइस मुझे वेंडर से मिला है। मैं यहाँ रेफरेंस नंबर डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने उस ऑर्डर के चालान को क्लियर कर दिया। अगर मैंने चालान में उसे क्लियर नहीं किया होता तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देता। जैसे कि ये दो ऑर्डर जो आ रहे हैं उनको मैंने चालान में क्लियर किया हुआ नहीं है,
इसलिए उनको भी यहाँ डायरेक्टली क्लियर कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ क्लियर चालान में जो चालान अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये एंट्री सेव करना है। तो इस तरीके से ये परचेज इनवॉइस बन जाएगा। अब परचेज इनवॉइस जो होता है उसके अकाउंट में पोस्टिंग होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेंडर है उसके नीचे क्रेडिट डेज का एक फील्ड है, उसमें 0 आ रहा है। अगर क्रेडिट डेज 0 होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट परचेज इनवॉइस का जो ट्रांजेक्शन है वो वेंडर का कैश में बनेगा। अगर इसमें मोर देन 0 वैल्यू होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट में बनेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेव करते वक्त मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे ये कैश में सेव करना है या क्रेडिट में। इसके लिए पेमेंट डिटेल्स में जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 0 है तो ये कैश में आ रहा है। इसमें टिक मार्क हटाऊँगा और यहाँ क्रेडिट पे टिक मार्क करूँगा। अब इसे ओके करूँगा और अब इसे सेव कर दूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट में बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये जो स्टॉक लिया है वो मेरे सेलेबल लोकेशन में भी आ गया है और मेरे अकाउंट में भी पोस्टिंग हो गई है। परचेज इनवॉइस बनाने से अब मैं इसको आगे सेल भी कर सकता हूँ। ये वीडियो परचेज ऑर्डर, परचेज चालान और परचेज इनवॉइस के एंट्री प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। परचेज मैनेजमेंट के अदर ऑप्शंस को समझने के लिए हमारे अपकमिंग वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट @www.swindia.com।